विदिशा जिले के तहसील पठारी में बुधवार को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की, जिसमें वाहन चेकिंग, बिना मास्क, सामाजिक दूरी का उल्लंघन, बाजार में अतिक्रमण करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। पठारी प्रभारी तहसीलदार चंद्र कुमार ताम्रकर ने बताया कि भारत सरकार ने कोविड-19 से बचाव और वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मुँह पर मास्क बांधना और सामाजिक दूरी रखने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसका लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर मुख्य बाजार में बिना मास्क, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों, दुकान के सामने सामान रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ ग्राम पंचायत के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई है, जिसमें 36 व्यापारियों और नागरिकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। वहीं नवागत थाना प्रभारी दीपक राठौड़ ने बताया कि इसी दौरान वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 5 लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई है। इस दौरान पटवारी गोपाल सिंह बागड़ी, पंचायत सचिव गोविंद सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक मान सिंह यादव, रामस्वरूप पांडव, नीरज और राजस्व और पुलिस का अमला मौजूद था। पठारी से आशीष सेले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।